नमस्कार, मैं प्रिया। आज 23 फरवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जमीन के दस्तावेज में भूल सुधार कराने में आई तेजी, कड़ी होगी विधानसभा की सुरक्षा। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की फिर से सीएम नीतीश उठाएंगे मांग। साधन के साथ पुलिस की बढ़ी चुनौतियां भी। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया ने शुरू की तैयारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जमीन के दस्तावेज में भूल सुधार कराने में आई तेजी। बिहार भर में जमीन के दस्तावेजों में भूल सुधार करवाने को लेकर तेजी से काम हो रहा है। हालांकि एक समय था जब जमाबंदी पंजी को डिजिटाइज करने में भूल का सुधार करना मुश्किल था, क्योंकि कर्मियों की कमी इस पे एक बड़ी बाधा थी। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्थिति में सुधार हो रहा है। आलम कुछ यूं है कि अगर हम बिहार भर की बात करें तो राज्य भर में 85.3% आवेदनों को निपटारा हो गया है। 1 दर्जन से अधिक जिलों ने 90% से अधिक आवेदनों का निपटारा कर लिया है। 5 महीना पहले ऐसे जिलों की संख्या मात्र 5 थी, लेकिन 4 जिले आज भी विभाग की रिपोर्ट में लाल रंग से रंगे गए हैं। इन जिलों में काम की गति तेज नहीं हुई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शिल्पा शुक्ला की। शिल्पा शुक्ला का जन्म बिहार के वैशाली जिले में 22 फरवरी 1982 को हुआ था। शिल्पा शुक्ला एक भारतीय फिल्म और थिएटर अभिनेता हैं। वो वैशाली बिहार से हैं और 2007 के खेल नाटक चक दे में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। भारत और 2013 की नव नोयर फिल्म BA पास, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वो नौकरशाहों, राजनीतिक नेताओं और प्रख्यात विद्वानों के परिवार से आती हैं। उनके भाई तेंजिन प्रियदर्शी एक बौद्ध भिक्षु हैं और एक बहन है जो कि वकील है। कड़ी होगी विधानसभा की सुरक्षा। 25 तारीख से बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, जो कि 31 मार्च तक जारी रहने वाली है। वहीं इस बैठक में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम दिन बचे हैं, ऐसे में अभी से ही विधानसभा की सुरक्षा को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर बीते दिन ही विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को तलब किया, जिसके बाद ही अब पूरे बिहार विधानसभा के अंदर बाहर मिलाकर के 500 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। बैठक की तरफ से आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं, यानी कि अब बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर पूरी तरह से तीसरी आंख की नजर रहेगी। इसके साथ ही बीते दिन आयोजित करवाए गए बैठक में कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की फिर से सीएम नीतीश उठाएंगे मांग। भोजपुरी भाषा कहने को बिहार में बड़ी आबादी के बीच बोली जाती है, लेकिन अफसोस, भोजपुरी भाषा को वो स्थान नहीं मिल सका है जिसकी ये असल में हकदार है। यही कारण है कि अब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाने वाले हैं, ताकि आने वाले समय में इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त हो सके। इसके साथ ही इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा है कि भोजपुरी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग हम कई साल से उठा रहे हैं। राज्य मंत्रिपरिषद ने केंद्र को इस संबंध में 2017 में ही एक प्रस्ताव भेजा था। जल्द ही इस पर दोबारा हम मांग करने वाले हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने दिया धरना। बीते दिन बिहार राज्य आंगनबाड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले फतुहा परियोजना कमेटी की तरफ से दर्जनों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने अपनी मांग को लेकर बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर में धरना दिया। इस मौके पर मौजूद यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रावती देवी ने बताया कि वो लोग 15 सूत्री मांगों के साथ अपना आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है कि हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के अलावा सभी मांगों को मंजूर किया जाए। जब तक हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड बेसिल ने निकाली रिक्तियां। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड बेसिल ने रेडियोग्राफर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर, फ्लेबोटोमिस्ट, लैब अटेंडेंट, पेशेंट केयर मैनेजर के कुल मिलाकर 98 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 या डिप्लोमा या संबंधित क्षेत्र या विषय में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 28 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.basil.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार के कई जिलों में ठंड के बीच बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में ठंड की अटखेलियां शुरू है। जहां एक तरफ बिहारवासियों को दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं रात होते ही लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है।
इसी बीच जल्द ही बिहार वासियों को बारिश का सामना भी करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में 3 दिनों के बाद पछुआ रुककर पूर्वी हवा चलेगी। इसके प्रभाव से गुरुवार को दक्षिण मध्य बिहार के पटना समेत गया, नालंदा, शेखपुरा और दक्षिण पूर्व बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के आसार हैं, जिसके बाद अब 26 फरवरी के बाद से ही ठंड के कम होने के आसार जताए गए हैं। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच अब सीबीआई के हाथ। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की एक शाखा में हुए धोखाधड़ी से संबंधित मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। इसको लेकर पातेपुर थाने में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में धोखाधड़ी की प्राथमिकी 6 सितंबर 2021 को ही दर्ज की गई थी। गृह विभाग द्वारा अब जाकर जारी किए गए अधिसूचना के मुताबिक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक कस्तूरी सराय शाखा से जुड़े धोखाधड़ी का मामला पातेपुर थाने में दर्ज है। अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा कर दी गई है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में अब तक आए इतने आवेदन। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय के आर्थिक हल युवाओं को लेकर के बीते दिन पंचायतों में कैंप लगाने का काम किया गया। इसमें ही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम की जानकारी युवाओं तक पहुंचाने का काम किया गया, ताकि कोई भी इसके लाभ से वंचित ना हो। इसी के साथ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट योजना में अब तक सिर्फ पटना की बात करें तो यहां पर 10,214 आवेदन आए हैं। इनमें से 9,679 आवेदन डीआरसीसी ने सत्यापित भी कर दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के 29,101 आवेदनों में से 26,774 का निबंधन डीआरसीसी में हो चुका है। अपने पहले समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री पहुंचे भागलपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार अभियान की अब एक बार फिर से शुरुआत हो गई है, जिसकी शुरुआत उन्होंने बीते दिन भागलपुर दौरे से की। इस दौरान हवाई अड्डा मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जीविका दीदियों से संवाद किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने जीविका और किलकारी की तरफ से लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया। वहीं बीते दिन की बात करें तो जैसे ही सीएम नीतीश अपने समाज सुधार यात्रा के लिए भागलपुर पहुंचे, सबसे पहले डीएम सुब्रत कुमार सेन ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद सीएम नीतीश ने हवाई अड्डा मैदान पर गार्ड ऑफ ऑनर लिया। फिर उन्होंने जीविका दीदियों का संबोधन किया, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री जमुई में समाज सुधार अभियान करेंगे। मुख्यमंत्री जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और मुंगेर जिले की समीक्षा करेंगे। इसके बाद 26 फरवरी को बेगूसराय में मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान यात्रा करने वाले हैं और यहां बेगूसराय और खगड़िया जिले की समीक्षा करेंगे। समाज सुधार अभियान यात्रा की जनसभा में मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, मध्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित सभी आला अधिकारियों के मौजूद रहने की पूरी उम्मीद जताई गई है। बीपीएससी ने की जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की आंसर की को जारी कर दिया है। बीपीएससी की इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी 4 मार्च 2022 तक अपनी आपत्ति भी इसको लेकर दर्ज करवा सकते हैं। इसको लेकर बीपीएससी की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जारी नोटिस के अनुसार इस परीक्षा में सामान्य अध्ययन विषय का पेपर 29 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया था। इस परीक्षा की प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए, बी, सी और डी के सभी प्रश्नों के सभी औपबंधिक उत्तर 21 फरवरी 2022 से आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। के साथ पुलिस की बढ़ी चुनौतियां भी। बीते दिन सरदार पटेल भवन स्थित सभागार में पुलिस सप्ताह का उद्घाटन के अवसर पर आमिर सुभानी मुख्य अतिथि बनकर आए थे। इस दौरान उन्होंने पुलिस के सामने आ रही चुनौतियों पर अपनी बात रखी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पुलिस के समक्ष चुनौतियां हमेशा मौजूद रहती है। आधारभूत संसाधन कम थे तब भी चुनौतियां थी, आज भी इसमें बढ़ोतरी हुई है और मानव बल अधिक है तब भी चुनौतियां बढ़ी है। बढ़ती जनसंख्या, साइबर आर्थिक अपराध के साथ परिवारों के टूटने से होने वाली घटनाएं बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है। सभी विभागों को सुना होगा कि पुलिस की आवश्यकताएं क्या है और हमें क्या क्या करना है, और इसके साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द पुलिस को संसाधन उपलब्ध करवाने की जो भी मुमकिन प्रयास हो सकते हैं उनको पूरा करने की बात कही है। पूर्व मध्य रेल ने माल लदान के क्षेत्र में हासिल की उल्लेखनीय उपलब्धि। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पूर्व मध्य रेलवे ने माल लदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिसके तहत ही वित्तीय वर्ष 2021-22 के जनवरी महीने तक रिकॉर्ड 135.35 मिलियन टन माल ढुलाई की गई। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ये ढुलाई पूर्व मध्य रेल द्वारा अब तक किसी भी साल में जनवरी महीने तक की गई माल ढुलाई की तुलना में सर्वाधिक है और रेलवे बोर्ड द्वारा जनवरी महीने तक दिए गए लक्ष्य 133.93 मिलियन टन को पीछे छोड़ दिया गया है। पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी साझा की है। दावा आपत्ति के निपटारे के लिए वार्डों के गठन की बढ़ी समय सीमा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने आम लोगों से प्राप्त दावा आपत्ति के निपटारे को लेकर नवगठित निकाय के वार्डों के परिसीमन और गठन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। यानी कि अब प्रारूप प्रकाशन के दौरान आपत्तियों का निपटारा 5 मार्च तक किया जा सकेगा। पहले यह समय सीमा 26 फरवरी की ही थी। इसके बाद ही वार्डों की सूची तैयार कर उस पर प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन 28 फरवरी से 5 मार्च की जगह 7 मार्च से 14 मार्च तक किया जा सकेगा। इसके साथ ही अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन 8 मार्च की जगह अब 21 मार्च 2022 को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग को जिला गजट में प्रकाशित वार्डों की सूची और मानचित्र प्राप्त कराने की अंतिम तारीख 11 मार्च से बढ़ाकर 25 मार्च तक कर दी गई है। आयोग के सचिव ने इसकी जानकारी साझा कर दी है। पूर्वी चंपारण के गांधी संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यह शैक्षणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गतिविधियों का एक मुख्य केंद्र है। यहाँ पर गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित और दूसरे कई नेताओं की तस्वीरें, अवशेषों और कार्यों का संग्रह है। अंग्रेजों द्वारा किसानों और मजदूरों पर किए जा रहे अत्याचार को देखने जब महात्मा गांधी 1917 में मोतिहारी आए थे तो जिलाधिकारी ने उन्हें जिला छोड़ने को कहा था, परंतु गांधी जी ने आदेश की अवहेलना की और कहा जाता है कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का ये भारत में पहला प्रयोग था। गांधी जी को 18 अप्रैल 1917 में धारा 144 का उल्लंघन करने के जुर्म में अनुमंडल अधिकारी के कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने अपना पक्ष रखा और आदेश न मानने का कारण बताया। इसी स्थान पर सत्याग्रह स्मारक स्तंभ का निर्माण किया गया है। इस 48 फीट लंबे स्मारक स्तंभ की आधारशिला 10 जून 1972 को तत्कालीन राज्यपाल देवकांत बरुआ ने रखी थी। इस बार बड़े पैमाने पर मनेगा 2 साल से स्थगित बिहार दिवस समारोह। कोरोना के कारण बीते 2 साल से बिहार दिवस समारोह का आयोजन नहीं हो रहा था। हालांकि इस बार कोरोना की स्थिति नियंत्रित है, ऐसे में इस बार बड़े पैमाने पर बिहार दिवस मनाने की तैयारी भी हो रही है। इसको लेकर शिक्षा विभाग में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ही मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि बिहार दिवस के मौके पर इस बार 22, 23 और 24 मार्च को पटना के गांधी मैदान में वृहद पैमाने पर शैक्षणिक और सांस्कृतिक उत्सव और समारोह का आयोजन होगा। इस बार बिहार दिवस का प्रस्तावित थीम जल जीवन हरियाली रखा गया है। सभी जिलों में भी बिहार दिवस कार्यक्रम आयोजित होगा। गांधी मैदान में पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती के अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे से निगाह रखी जाएगी, साथ ही वॉच टावर पर तैनात सुरक्षा प्रहरी भी नजर रखेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसको लेकर सभी दलों के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने की बैठक। जल्द ही बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। हालांकि इस बात की पूरी पूरी उम्मीद है कि इस बार सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने के पूरे मिजाज में पहले से ही नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष का विरोध अनियंत्रित न हो, इसको लेकर ही बीते दिन सभी दलों के साथ विजय सिन्हा ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि सत्र का संचालन शांतिपूर्ण ढंग से हो, इस बात का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। हालांकि नेता विपक्ष तेजस्वी यादव शामिल इसमें नहीं हुए, लेकिन राजद की तरफ से आलोक मेहता पहुंचे थे। वहीं बिहार सरकार की तरफ से दोनों डिप्टी सीएम और संसदीय कार्य मंत्री बैठक में मौजूद रहे। विजय चौधरी ने बजट सत्र में कई विधेयक आने के दिए संकेत। कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर अभी से ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। जहां विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ बजट सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयक को लेकर सरकार तैयारियों में है, जिसके ही संकेत बीते दिन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने दिए हैं। आगामी बजट सत्र को लेकर उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बजट सत्र काफी बड़ा होता है, ये पूरे मार्च तक चलेगा और इस बजट सत्र में कई विधेयक भी लाए जाएंगे। जो बिल अधिनियम की तारीख होती है वो बाद में आती है और अभी अलग अलग विभागों में तैयारी चल रही है। जो भी विधेयक है उसकी सूचना संसदीय कार्य विभाग के माध्यम से विधानसभा सचिवालय को दी जाती है। इसकी शुरुआत हो चुकी है, ये अगले 10 दिनों में इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने विधेयक हैं। बिहार के युवाओं की दुर्गति, नीतीश जी बनने चले राष्ट्रपति। प्रशांत किशोर के एक बयान ने बिहार की राजनीति में किस हद तक भूचाल मचा दिया है, इसका अंदाजा आपको भी आज की हमारी खबरों को सुनकर समझ में आ ही रहा होगा। हालांकि सीएम ने तो इस खबर को तवज्जो नहीं दी, लेकिन ये चर्चा चिराग को जरूर नागवार गुजरी है। यही कारण है कि जैसे ही मीडिया में इस बात की चर्चा बीते दिन शुरू हुई तो चिराग ने ट्वीट करके कहा कि नई कुर्सी की सुगबुगाहट को खारिज नहीं किए सुशासन बाबू, विपक्ष का चेहरा बनने की दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है। अपने लिए एक के बाद एक पद का इंतजाम करने को की आदत आप बना चुके हैं नीतीश जी। कर बिहार के युवाओं की दुर्गति, नीतीश जी बनने चले राष्ट्रपति। लालू यादव की क्या बढ़ेगी और ज्यादा मुश्किलें। हाल ही में डोरांडा कोषागार मामले में अवैध निकासी के मामले में दोषी पाए जाने के बाद और 5 साल की सजा के ऐलान के बाद
अब हाईकोर्ट में देवघर ट्रेजरी मामले में सजा बढ़ाने की अपील की गई है। इसको लेकर सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि एक आरोपी जगदीश शर्मा को इसी मामले में 7 साल की सजा दी गई है, जिसके बाद लालू यादव को भी 7 साल की सजा ही होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लालू प्रसाद समेत 6 आरोपी जिन्हें 3.5 साल की सजा मिली है, सीबीआई ने उनकी सजा के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद समेत इन आरोपियों पर उच्च स्तरीय षड्यंत्र का आरोप है, ऐसे में सभी आरोपियों पर सजा भी समान होनी चाहिए। एडवांस की परीक्षा लेगी यहां की आईआईटी। नए एकेडमिक सत्र के लिए इस बार जेईई एडवांस परीक्षा कराने की जिम्मेदारी आईआईटी मुंबई को दी गई है, यानी कि इस बार जैसे ही एनटीए मेन 2022 का स्केड्यूल जारी करेगा, उसी के अनुरूप आईआईटी मुंबई भी जेईई एडवांस 2022 की तारीख जारी कर देगा। इसके साथ ही एनआईटी के साथ आईआईटी और अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में नामांकन के लिए जेईई मेन्स 2022 अप्रैल और मई में होगी। एनटीए के अधिकारियों ने कहा है कि 26 अप्रैल से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा शुरू करने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा से पहले जेईई की परीक्षा हो सकती है। इस बार जेईई मेंस 2 सत्र में आयोजित होना है। आधार कार्ड में घर बैठे बैठे ऑनलाइन खुद ही बदले अपनी तस्वीर। आधार कार्ड आज के समय में हमारे लिए जरूरी दस्तावेजों में से एक है। हालांकि आधार कार्ड पर जो तस्वीर लगी होती है, हम में से कई लोगों को वो पसंद नहीं होती, जिसके कारण ही लोग आधार कार्ड को दिखाने से भी परहेज करते हैं। हालांकि अब आप घर बैठे अपना फोटो बदल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको uid.gov.in/images/aadhar_enrollment_correction_form_version_2.1.pdf पर जाना होगा, जहां जाकर आप आधार नामांकन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आवश्यक डिटेल्स भरें और निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद इसे आधार एनरोलमेंट सेंटर में जमा करें। आधार नामांकन केंद्र में बैठा कार्यकारी आपकी जानकारी को प्रमाणित करेगा और आपकी नई तस्वीर लेगा। अपडेट रिक्वेस्ट नंबर के साथ अपनी आई एक्नॉलेज स्लिप को संभाल कर रख लें। के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया ने शुरू की तैयारी। भारत और श्रीलंका के बीच 24 फरवरी से 3 मैच की T20 सीरीज का आगाज होने वाला है। पहला T20 लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। 21 फरवरी को कोलकाता से लखनऊ पहुंची टीम इंडिया ने बीते दिन पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया और नेट सेशन के दौरान जमकर पसीना बहाया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हाल ही में संपन्न हुए सीरीज के दौरान सभी खिलाड़ी बायो बबल में थे, जिस वजह से सीरीज से पहले टीम इंडिया को क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं इस सीरीज के लिए विराट कोहली, ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर को आराम भी दिया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्द। 1969 में आज ही के दिन अभिनेत्री मधुबाला का निधन हुआ था। 1970 में आज ही के दिन को गयाना देश का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। कनाडा के डेविसन ने 2003 में विश्व कप का सबसे तेज शतक लगाकर 1983 में बनाए गए कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा। सन 2006 में इराक में हुए जातीय हिंसा में लगभग 160 लोगों की जान गई थी। भारत के मशहूर चित्रकार MF हुसैन को सन 2010 में कतर की नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। 1969 में हिंदी फिल्म जगत की अभिनेत्री भाग्यश्री का जन्म हुआ। 1982 में भारतीय राजनेता कर्ण सिंह का जन्म हुआ। साहित्य जगत में उपन्यासकार अमृतलाल नागर का सन 1990 में निधन हुआ था। पटना हाईकोर्ट ने थानेदार को दी चेतावनी। बीते दिन पटना हाईकोर्ट की तरफ से साइबर क्राइम से जुड़े मामले पर सुनवाई की गई। इस दौरान पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगर साइबर क्राइम के मामले में थाना प्रभारी केस दर्ज नहीं करेगी तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर जस्टिस संदीप कुमार ने शिव कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की। इसको लेकर कोर्ट ने 23 जुलाई से 24 अगस्त 2021 के बीच पंजाब नेशनल बैंक के अनीसाबाद शाखा से जुड़े मामले में एसपी को जांच और प्रगति रिपोर्ट दायर करने के आलोक में उक्त आदेश दिया है। कोर्ट ने एक अधिवक्ता के खाते से धोखाधड़ी कर पैसा निकालने के मामले में केस दर्ज नहीं करने पर इस नोटिस को जारी किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, आर्या नेचर, उमेश कुमार, अनीश कुमार, अभिषेक कुमार, विशाल कुमार, जयसवाल, परवेज आलम, शंकर मुखिया, राहुल शर्मा, सुमित कुमार पांडे, विजय खायल, उमाशंकर शंकर। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और क्रिकेट से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के लिए सही दावेदार हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।